तो अब हम लोग सम्मान के बारे बात करेंगे। हम लोग परिवार व्यवस्था पे चर्चा शुरू किए हुए हैं आज। इस परिवार व्यवस्था पे चर्चा करते हुए हम लोगों ने विश्वास के भाव पर थोड़ी बातचीत की है। विश्वास के भाव पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई है और इसकी जांच चलेगी और कल भी इस पर और बात हो सकती है, आप लोगों के जो प्रश्न होंगे। अब थोड़ा हम लोग सम्मान के बारे बात कर लेते हैं, सम्मान पे चर्चा करेंगे। सम्मान का अर्थ है सही आकलन, राइट इवेल्युएशन। अर्थात सम्मान शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो सम प्लस मान, अर्थात सम्मान। सम का मतलब है सम्यक, सम्यक का मतलब है ठीक ठीक जैसा है ठीक वैसा है। मान का अर्थ है मापना, मापना अर्थात आकलन करना, है ना। तो इसी को कह रहे हैं कि ठीक ठीक आकलन करना। तो जो सम्मान का अर्थ है ठीक ठीक आकलन करना अर्थात राइट इवेल्युएशन करना, इसी को कह रहे हैं सम्मान। जी, कुछ साथी लोगों का हैंड रेज हुआ है सम्मान पर, तो उनसे पूछ लेते हैं क्या प्रश्न है उनके। जी, एक से अधिक लोगों को माइक दे दे भैया। जी, तो अभी हम लोग सम्मान पर बात कर रहे हैं, तो सम्मान पे जो आपके और प्रश्न होंगे उसको लेंगे। विश्वास वाले प्रश्न पे अब चर्चा कल करेंगे। जी बताएं, राकेश वर्मा जी, वैदेही जी, दीपक पटेल जी, आप में से जो भी लोग माइक इनेबल कर पाए बताएं। जी राकेश भैया बताइए, जी सर, नमस्ते बताइए। सम्मान पे हमने प्रस्ताव को रखा है। सर। सम्मान तो छोटा हो या बड़ा हो, सबका करना चाहिए। पहली जी बात तो यह है, पर कभी कभी होता क्या है कि हम देखते हैं कि अगर किसी को अगर आपने ज्यादा सम्मान दिया है तो उसको एक प्रकार का ईगो चढ़ जाता है। सही ईगो हो जाता है कि चलो यार, मैं ही हूँ, जब ही तो मेरा सम्मान कर रहे हैं। अभी कुछ बात। सही बात है सर, गलत है? जी, तो एक तो इसमें दो बातें हैं। आप ईगो चढ़ जाता है, उस पर हम अगली स्लाइड पे बात करेंगे। वो आप ठीक ही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम, लेकिन उससे पहले जो पहली बात है ना कि सम्मान का मतलब है राइट इवेल्युएशन, सही सही आकलन, ये आपको सही लगता है? बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना अभी कंटिन्यू 2 महीने से हो रही है। मैंने कुछ और करना चाहता हूँ और उनको मान सम्मान दे के मतलब देना चाहता हूँ। परिवार में मैं जो हमारे जो ऐसे जो महिलाएं हैं उनको मैं मान सम्मान देने के साथ उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वो कुछ नया कर सके। पर जो गाँव में कुछ लोग ऐसे विवादित हो चुके हैं जिनको मैं सम्मान देने के बाद भी वो मेरे सामने तो कुछ और बोलेंगे, पीठ पीछे और कुछ बोलेंगे, तो मेरे को जी, ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको करना क्या। ये कह रहे हैं कि जब सम्मान सही सही आकलन हो पाता है तब तो सम्मान है, लेकिन जब सही सही आकलन नहीं हो पाता है तो दो तीन तरह की गलतियां होती हैं। तो जैसा वो है, कई बार हम उससे अधिक आंक देते हैं, अधिक इवेल्युएशन कर देते हैं, अधिक आकलन कर देते हैं, ओवर इवेल्युएशन कर देते हैं। कई बार हम उससे कम भी आंक देते हैं, जैसा वो है उससे कम आकलन कर देंगे, कम इवेल्युएशन कर देंगे। कई बार अन्यथा आंक देते हैं, अमूल्यन कर देते हैं। तो ये तीन तरह के गलत मूल्यांकन होते हैं जिसको हम लोग अपमान कहते हैं, है ना। तो सही बिल्कुल आकलन का न हो पाना ये अपमान है, तो किसी का बढ़ा चढ़ा के आकलन कर देना ये भी अपमान ही है। तो जैसे देखेंगे कोई बच्चा है घर में, वैदेही जी भी माइक ऑन कर ले, दीपक पटेल जी भी माइक ऑन कर ले, जी बात करते रहेंगे। दीपक पटेल जी, जी दीपक पटेल जी, आप ऑन कर लें। जी सर, और एक क्वेश्चन था, सम्मान को ही लेकर था जी सर। मैंने देखा है आज मेरे शादी के पहले की बात अलग थी, उस समय इतना सम्मान को क्षति नहीं हो पहुंचती थी, क्योंकि हम महिलाओं में खास तौर से क्या रहता था, एक ही जगह रहना है, उस परिवार से दूसरे परिवार में आती है, जी तो वहां पे तो कंडीशन ये अलाउ हो जाती है कि हमको वहां रहना ही है, तो ये जी ठीक है। अब लेकिन शादी के बाद जब वैवाहिक स्थितियां आती हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं पर जिसके लिए हम आए हैं जी या जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, ना चाहते हुए भी उसके द्वारा हमारा बार बार, माने मेरे द्वारा जो भी मैंने, ये मैं अपने ही ऊपर उदाहरण दूंगी सर। मैं अधिकतर देखती हूँ कि आज मैं 13 वर्ष से, मैंने शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि जब मैंने किसी का अपमान किया हो सकता है भूले बिसरे कभी हो भी गया हो, तो मैंने उस पर क्षमा भी मांगी।
पर मैंने देखा है कि मैं कुछ भी अच्छा करूं, चाहे कोई भी चीज मेरे, चाहे वो क्षेत्र में हो, कार्यस्थल पर हो, मेरी निजी जिंदगी में भी हो, पर मुझे उसके बदले में पागल हो, ये हो, तो मुझे वो भाव दिखता ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये सम्मान शायद आजकल पैसे को देखकर ही होता है, क्योंकि मैंने आज तक वो सम्मान का भाव कभी किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाया। जी मुझे समझ में नहीं आता सर कि सम्मान की वास्तव में परिभाषा क्या है। आज तक मुझे इसकी समझ में नहीं आई, पर इसकी बात खोज करते में हैं हूँ। जी वैदेही दीदी, इसी पर बात करेंगे हम लोग, और चर्चा शुरू कर लिया हम लोगों ने आज का पूरा 1 घंटा, और थोड़ा समय और हो सकता है कल का हम लोग इसी पे लगाएं। अजय दीप भैया, मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों को माइक और दे दिया जाए, और जिनके एंड पे नॉइज ना हो, ऐसे 5-6 लोग अपने माइक को ऑन करके रख सकते हैं ताकि हम लोग चर्चा मोड में आगे बढ़ें। तो जिनके घर के आसपास नॉइज कम हो या ना हो, वो लोग माइक को ऑन करके रख सकते हैं। 4 लोग 5 लोग रख सकते हैं, और हम लोग चर्चा कर करके आगे बढ़ेंगे जी। और लोग को भी दे सकते हैं, दीप्ति ठाकुर दीदी हैं, शक्ति मिश्रा जी हैं, इन सब लोगों को भी दे सकते हैं जी। और अगर कहीं नॉइज होगी ना भैया, तो उस माइक को फिर थोड़ा नियंत्रित करिएगा। ठीक, एक आध लोग और ओपन कर सकते हैं अगर उनके एंड पर नॉइज हेलो नहीं है तो जी। तो जिन भी लोगों के माइक ओपन है मैं उनसे पूछ लेता हूँ, या बाकी लोग भी माइक को इनेबल कर सकते हैं अगर उनके एंड पे नॉइज नहीं है तो। जी, दीपक पटेल जी, राकेश जी, साक्षी जी, जो भी लोग उपलब्ध हैं माइक खुले रख सकते हैं, अगर नॉइज होती तो बंद कर लीजिएगा ओके, जी। बोलिए। तो मैंने सम्मान की एक परिभाषा लिखी है कि ठीक ठीक आकलन करना, ये ठीक लगता है परिभाषा? हाँ हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। परिभाषा तो ठीक लगता है, पर सर सम्मान शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा भी तो है, थोड़ा और और अच्छा फैलाऊंगा मैं दीपक जी, अभी और अच्छा फैलाऊंगा जी, सम्मान हाँ शब्द को, अभी नहीं, इतने में ही परिभाषा नहीं बढ़िया लग रही रुकेंगे। सर। हाँ हाँ जी भैया, जी, भानु भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भानु दीदी, भैया, ठीक लग रहा है ये परिभाषा? हाँ जी भैया, मैं एक बहुत गहरी बात और बहुत एक विषम समस्या आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर सम्मान से दीदी स्लाइड से हाँ जुड़ा जी, हुआ हाँ है तो जी, अभी ले लेंगे, नहीं तो सम्मान से कल ही सुबह जुड़ा ले हुआ लेंगे है। हाँ जी। जी, मुझे सम्मान से ही जुड़ा लगता है ना हुआ है। दीदी, थोड़ा सम्मान की चर्चा को और ओपन कर लूं तो आपके प्रश्न को हाँ ज्यादा जी, हाँ रिलेट जी, कर मैं पाऊंगा तब तक रुकती हूँ। हाँ जी, तक हम हाँ लोग चर्चा को पार्टिसिपेट करते हैं मिलकर। हाँ जी चर्चा मोड में बिल्कुल चलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, या जी, मैं हाँ बहुत। अकेले चलाता हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है हाँ जी, ना, वही ऐसे समझ रहा। लगता है थोड़ी बातचीत हो रही है, तो हमको भी हाँ थोड़ा हाँ अच्छा लगता है हाँ जी भाई, भानु भैया जी। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्मान का जो विस्तृत रूप आप जो कहने वाले हैं, जैसे मेरा मित्र है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, ये होगा। एक कोई मेरी उपलब्धियों पर कोई संस्था का तो मुझे सम्मान देती है, तो इसमें कुछ सामंजस्य है, अलग भेद है। मैं अभी करता हूं उसको भी, ओके ओके थोड़ा सम्मान को और ओपन अप कर जी वालेकुम असलम जी। काय का, देख लें अभी अगर माइक किन्हीं बंद का कर माइक, दीजिए। हाँ, अगर किन्हीं का माइक ओपन है और वो बात उनको करनी है तो वो बंद कर लिया करें, तो चर्चा अच्छे से हो पाएगी जी। दूसरा, मैंने कहा कि जब ठीक ठीक आकलन नहीं हो पाता है तो 3 तरह का गलत आकलन होता है, या तो हम बढ़ा के कर देते हैं, या घटा के, या अन्यथा। और ये जो घटा बढ़ा के अपमान कर रहे हैं, ये आकलन कर रहे हैं, ये अपमान है। तो सही आकलन का ना होना ही अपमान है। उदाहरण के तौर पे, किसी के बच्चे ने, छोटा बच्चा है, उसने एग्जाम दिया और उसके 90% 95% नंबर आ गया, माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, घर में कोई आए तो खुश होके कहते हैं बेटा मार्कशीट लाओ, अंकल को दिखाओ, और फिर कहने लगते हैं देखिए हमारा बेटा है 95% 95% मार्क्स लेके आया है, आगे चल के ये कुछ भी कर सकता है। आदमी का बच्चा है, कुछ भी कैसे कर सकता है? कुछ निश्चित चीजें कर पाएगा, कुछ निश्चित चीजें नहीं कर पाएगा, ये कुछ भी कर सकता है। ये सही आकलन है, ओवर इवेल्युएशन है, क्या लगता है? भैया ओवर ये इवेल्युएशन ओवर इवेल्यूएशन है कि कुछ भी कर सकता है। ये ओवर इवेल्युएशन है ना? हाँ और जी, कोई लोग अपने बच्चे से थोड़े खुश हो जाते हैं तो खुश होकर बोलने लगते हैं राजा बेटा है ना। अभी 10 बार आप किसी बच्चे को राजा बेटा बोल दीजिए, वो राजा ही मानने लगता है अपने को, और फिर बिल्कुल प्रजा ढूंढने लगता है क्योंकि बिना प्रजा के राजा किस काम का है ना तो वो क्लास में जाता है, क्लास में जितने बच्चे आए हैं सब अपने घर के राजा हैं, वहां प्रजा तो कोई बनने को तैयार नहीं है, हाँ जी, तो लौट के घर के लोगों को ही प्रजा बनाता है ना। ऐसे ही थोड़ा नाराज हो गए बच्चे से, थोड़े नंबर कम आ गए तो बहुत दुखी हो जाते हैं, नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है क्या कि आदमी का बच्चा हो और वो कुछ ना कर सके? कुछ तो करेगा ना, कुछ तो करेंगे। है ना? हाँ हो जी, कुछ सकता आप जो करेंगे। चाहते हो, सकता वो ना कर पाए,
लेकिन कुछ तो करेगा। हाँ जी, जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो आपने अब स्टैंडर्ड बना लिया है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है या उस स्ट्रीम में 100% नहीं दे पा रहा है, लेकिन कुछ तो करेगा ही ना। जैसे किसी के घर जाना हुआ, उनकी बेटी थी 9-10 साल की, 10-12 साल की रही होगी, 12 साल से ऊपर रही होगी हमें लगता है कि 8वीं 9वीं में, तो 14 साल की रही होगी। है अब वो बोलने लगी, बल्कि कई बार बोली कि ये कुछ नहीं करती है, वो कुछ नहीं करती है, उसके सामने ही बोल रही है कुछ नहीं करती है। और थोड़ी देर तक तो सुनी, फिर इरिटेट होकर चिल्ला पड़ी, क्या नहीं करती हूँ, है ना। सुबह पानी मैं ला के देती हूँ, खाना कोई खाता है तो बर्तन मैं ला के देती हूँ, खा लेता है तो बर्तन उठा के मैं ले जाता हूँ, ले जाती हूँ। इवन कोई डोर बेल ना बजाए तो कोई नहीं जाता खोलने, सब मेरे को ही भेजते हैं, जाओ डोर बेल खोल के आओ, है ना। ऐसा 25 काम उसने गिना दिया, लेकिन माँ उसके बाद भी कहे जा रही है कि ये कुछ नहीं करती है, क्योंकि माँ की दृष्टि में कुछ स्पेसिफिक काम होंगे, वो नहीं करती है तो बोलते हैं ये कुछ नहीं कर रही है ना। तो एक कैसा आकलन हो गया। ये तो सर असामान्य और अप्रायोगिक अंडर आकलन हो इवेल्युएशन, गया। अंडर इवेल्युएशन, अवमूल्यन हो गया, है ना। कई बार नाराज हो जाते हैं तो अन्यथा आकलन कर देते हैं, है ना। तो नालायक हो ये तो पहले ही बोल चुके हैं, गधे हो, उल्लू हो, ऐसा बोलना देते हैं। अब आदमी का बच्चा उल्लू कैसे हो सकता हाँ जी, तो है, उपमा गधा है, कैसे उपमा हो सकता है ना। तो है, अवमूल्यन। ये कैसा आकलन हो गया, अन्यथा आकलन, अवमूल्यन, अमूल्यन। डिस्करेज करते हैं बच्चे को। तो ये तीन तरह का गलत आकलन होता रहता है, जिसे हम लोग अपमान कहते हैं, है ना। अभी ठीक से देखेंगे ना, तो जब किसी का हम अधिमूल्यन करते हैं, है ना, बार बार, अरे आपका क्या कहना, आप जैसे लोग तो बिरले मिलते हैं। थोड़ी देर पहले एक भाई साहब बात कर रहे थे ना, कि बहुत अधिमूल्यन करते रहते हैं, बढ़ा चढ़ा के बात करते रहते हैं। तो आप किसी का बार बार अधिमूल्यन करिए, या कोई आपका बार बार अधिमूल्यन करे ना, अधिक आंकने लगे, है ना, बढ़ा चढ़ा के आपके बारे, आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं, आप अगर कॉलेज ना आए, स्कूल ना आए तो सूना हो जाता है, भगवान बहुत कम लोग आप जैसा बनाया है, ये सब बात शुरू कर दिए तो आदमी कहाँ जाने लगता है, अतिशयोक्ति वर्णन, वो चने की ईगो में, झाड़ पे चढ़ जाता है वो। ईगो में चला जाता है, अहंकार होने लगता है। लेकिन 2 लाइन किसी ने घटा के बोल दिया, है ना, तो वही आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। यस कि आप आदमी तो अच्छे हो लेकिन काम सारे गड़बड़ करते हो, जिस दिन काले चले आते हो उस दिन हमेशा किसी ना किसी को झगड़ा कराते रहते हो, है ना। इस तरह की बातें शुरू कर दिया तो ये जो ईगो था वो धीरे धीरे निकल के आदमी नीचे आने लगता है, डिप्रेशन की तरह। तो अभी आप देखेंगे तो ये ईगो और डिप्रेशन इसी तरह से काम करता है। कोई 4 लाइन हमारे बारे अच्छा अच्छा बोल दे तो कई बार हम ईगो में चले जाते हैं, कोई 2 लाइन घटा के बोल दे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो अभी आप देखेंगे तो ये ईगो डिप्रेशन हमारे अंदर चलता रहता है, ईगो से डिप्रेशन, डिप्रेशन से ईगो, है ना। इस तरह से लाइफ हमारे भीतर चलती रहती है। एक पोल भी है इससे संबंधित, तो आप लोग इसको उत्तरित करेंगे तो और स्पष्ट होगा। तो आप थोड़ा अपने को इवेलुएट करिए कि ये सब आपके साथ भी तो नहीं चलता, आप सब लोगों के साथ भी, कि 4 लाइन किसी ने बढ़ा के बोल दिया तो ईगो जैसा लगने लगा, 4 लाइन घटा के बोल दिया तो डिप्रेशन जैसा लगने लगा, है ना। अच्छा, कुछ बोल दिया ऐसा ही नहीं है, हम अपनी कल्पनाशीलता में भी कुछ ऐसे विचार करने लगते हैं कि हमारा ईगो बढ़ने लगता है, और कई बार ऐसे विचार चलाने लगते हैं कि डिप्रेशन बढ़ने लगता है। आप कभी देखेंगे ना, तो ऐसा कल्पनाशीलता में चलता रहता है, मैं 4 दिन स्कूल ना आऊं तो स्कूल वालों को पता लग जाएगा कि क्या हालत होने वाली है, ना। सब काम चुपचाप कर देते हाँ हैं तो इसलिए इनको हमारा कुछ वो नहीं पता चलता, जिस दिन ना आए उस दिन समझ में। अब ये जितने विचार हमारे भीतर चल रहे हैं सब हमको ईगो में लेके जा रहे हैं, है ना। घर के बारे भी चलता रहता है, सारा काम घर का चुपचाप कर देते हैं, नौकरी भी कर देते हैं, इसलिए इन लोगों को कुछ असर नहीं पड़ता। जिस दिन घर का काम नहीं करेंगे, 4 दिन छोड़ देंगे, तब होश आएगा। अभी सब ईगो वाले विचार हमारे भीतर चल रहे हैं, और किसी किसी दिन डिप्रेशन वाले चलने लगते हैं, मैं घर में रहूं ना रहूं किसी को क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ करूं ना करूं क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखेंगे तो हमारे विचार ही हमको ईगो डिप्रेशन में लेके जा रहे होते हैं, है ना। दूसरे तो हालांकि कर ही रहे होते हैं। तभी आप देखें ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि ईगो डिप्रेशन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, ये तो सामान्य बातचीत में होता ही रहता है, क्या फर्क पड़ता है। हमारे टीचर है ना, जो बता रहा था मैं सुबह जन के बारे, एक बार वो उतर करके घर की तरफ अपने जा रहे थे पैदल ही, तो उनके कोई पुराने स्टूडेंट थे वो मिल गए, तो उन्होंने कहा कि सर मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, चलिए बैठिए छोड़ देता हूँ। तो बैठ गए, बैठ गए तो चर्चा होने लगी। तो पुराने छात्र कई बार टीचरों को मिल जाते हैं तो कुछ तो बिल्कुल बात नहीं करते, कुछ बहुत सारी बातें करते हैं।
तो भी बहुत बात करने लगे कि सर आप जैसे टीचर हमारी जिंदगी में आए, बड़ा अच्छा रहा, है ना, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है आप लोग के संपर्क में आकर, ऐसा लगता है कि अब मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखेंगे तो ये सामान्य बोलचाल की ही बात है ना, कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो टीचर थे उन्होंने कहा एक काम करो, अपनी मोटरसाइकिल रोको सबसे पहले और हमको उतार दो, क्योंकि ऐसे आदमी के पीछे बैठना मोटरसाइकिल पे बहुत खतरनाक है जो सोचता हो कुछ भी कर सकता है। देखेंगे तो ये सामान्य बोलचाल की बात है। हम इस तरह का अधिमूल्यन बोल जाते हैं और हमको हाँ लगता है जी, कि तो सामान्य तोड़ ही मोड़ के बात। बोलना चाहिए। अच्छा, उसका बच्चों पे बड़ा फर्क पड़ता है, हम पर तो पड़ता ही पड़ता है, घर परिवार के बच्चों पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है ना। वो हमको ध्यान है, मैं इसी कोर्स को ना, ये जो कोर्स आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूँ, जी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी पढ़ाया जा रहा है पिछले 10 साल से। अच्छा, तो यह एक कोर्स चलता है MCA, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, छात्रों को भी ये पढ़ा रहा था। तो उसमें एक लड़की थी, MCA मतलब वो बच्चे आते हैं उसमें जो BSc कर चुके होते हैं, ग्रेजुएट बच्चे आते हैं, मास्टर्स का कोर्स है वो। तो वो जो बच्चे थे वो BSc करके आए थे, यानी 18, 19, 20, 21 साल के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो सब, ज्यादातर 18 साल से अधिक ही के, 19, 20, 21 के होते हैं। तो एक दिन जो है जब ये चर्चा होने लगती है, जैसे अभी चर्चा हो रही है ना, तो सब लोग एकदम परिवार की तरह खुल के बात करते हैं ना, वैसे क्लासरूम का भी माहौल हो जाता है, सब एकदम ऐसे खुल के बात करते हैं क्लास में भी बाहर भी। तो एक दिन वो लड़की आई हम लोग के केबिन में जहाँ हम लोग टीचर्स बैठते हैं, आके बोली हमसे कि सर आपसे कुछ व्यक्तिगत बात करनी है। तो हमने कहा बताओ। तो लड़की बोली सर यहाँ नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं, हमको थोड़ा अलग से समय दे दीजिए, हम अलग से बात करना चाहते हैं। हमने कहा चलिए। तो हमने अपने HOD मैडम से थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने अपना केबिन उपलब्ध कराया, वहां बैठ के उससे बात करने के लिए बैठ गए। वो टेबल के उस तरफ बैठ गए, मैं इस तरफ बैठ गया। 5 मिनट तक वो कुछ नहीं बोली। तो एक पॉइंट पर फिर मैंने 2-4 बार उसको इंसिस्ट किया कि बताओ घबरा क्यों रही हो, जो भी कहना है कहो। तो उसने एकदम झटके से कहा कि सर मुझे लगता है कि मैं सुंदर नहीं, है ना। तो मेरे को लगा कि एक लड़की एक मेल टीचर से, है ना, वो भी इस उम्र की लड़की एक मेल टीचर से अगर ये बोल रही है कि वो सुंदर नहीं है, तो अंदर अंदर उसके कितनी घुटन होगी इस बात को लेके कि वो इस तरह का कहने का साहस कर पाई। तो खैर मैंने उसे पूछा उसके परिवार में कौन कौन है, क्या है, क्यों लगता है सुंदर नहीं, ऐसे बहुत सारा संवाद हुआ। मैंने उसे पूछा कि भाई आपको क्यों लगता है कि आप सुंदर नहीं हो। तो उसने कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैंने पूछा बनते हैं या बनते ही नहीं है। बोले बनते हैं लेकिन बहुत जल्दी छूट जाते हैं। इस चर्चा चली रही थी तो एक पॉइंट पे मैंने पूछा आपके घर वाले आपके बारे क्या सोचते हैं। तो थोड़ा संकोच करते हुए बोली कि नहीं मुझे लगता है मेरे घर वालों को भी मैं सुंदर नहीं लगती। तो जैसे उसने ये बोला हमको एक बात तो क्लिक कर गई कि प्रॉब्लम सुंदरता की नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। क्योंकि माँ बाप को तो अपने बच्चे सुंदर ही लगते हैं, ऐसे माँ बाप ढूंढ पाना बहुत कठिन है जिसको अपने बच्चे सुंदर ना लगते, है ना। फिर मेरी उससे थोड़ी चर्चा हुई और बैकग्राउंड के बारे में सब, तो पता ये चला कि उसके घर में मम्मी पापा और इसको लेकर के टोटल 3 भाई बहन है, एक बड़ी दीदी एक छोटा भाई। और इसके परिवार में जो होता है ना पूरा कुनबा खानदान, कई परिवारों का समूह, उस पूरे में लड़के तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करने घर से बाहर निकले हो, लड़कियों में वो पहली लड़की थी कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए घर से बाहर निकली थी। क्यों निकली थी? क्योंकि BSc में उसके बहुत अच्छे नंबर थे, तो माँ बाप इससे खुश होकर के उसको भेजे थे। अब होता क्या था कि घर में कोई भी गेस्ट आए, कुछ भी आए, तो गेस्ट के साथ बातचीत करते करते अपनी इस बीच वाली लड़की के बारे में परिचय शुरू कर देते थे पिताजी, कितने अच्छे नंबर आए, प्रोफेशनल कोर्स कराने भेजा, हमारे घर की ताज है, नाक है ना, ये सब बढ़ा चढ़ा के जो बात करने लग गए, इससे उस लड़की का ओवर इवोल्यूशन होने लगता था। अच्छा, वहां तक तो फिर भी जल चल जाता, वहां बैठकर बीच वाली लड़की जो MCA कर रही है उसके बारे तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और उसकी बड़ी दीदी जो मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी है घर पे ही है, उसका परिचय भी नहीं कराते, और वहीं बैठे बैठे ऑर्डर दे देते हैं चाय बना के लाओ। वो चाय बना के लाई, रख के गई, वापस चली गई, कप उठा के ले गई। उस दौरान इस छोटी वाली सिस्टर का पूरा बखान चल रहा है, बड़ी वाले के बारे कुछ बात नहीं हो रही, परिचय तक नहीं हो रहा। ये उसका सही आकलन है कि अंडर इवेल्युएशन है, कम आकलन है, कम आकलन है। आकलन हाँ, है ना। तो ये जो कम आकलन उसका हो रहा होगा, वो अपनी इस बीच वाली सिस्टर के साथ, है
है ना, स्नेह में जा रही होगी कि द्वेष में जा रही होगी? द्वेष में पढ़ रहा होगा और वहीं बैठे बैठे फील होता है ऐसे में, अगर कितने भी प्यारे भाई बहन हो, यदि इस तरह की तुलनाएं और इस तरह का अपमान सामने आता है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स वेव आती है और रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। कॉम्प्लेक्स वेव द्वेष पढ़ने लगता है उसके कारण, और कई बार वहीं बैठे बैठे कभी कभी छोटे भाई को भी जो 9th क्लास में पढ़ता था उसको भी बुला के डांट डपट कर देते थे कि ये नालायक इस साल पास होगा भी कि नहीं पता नहीं, है ना। अब ये जो उसके साथ व्यवहार हो रहा है या अन्यथा आकलन या अंडर इवेल्युएशन उसके साथ भी हो रहा है, और वहीं उसका बहुत सारा बखान हो रहा है, अब उन छोटा भाई भी इससे द्वेष करने लगता होगा। अब हुआ ये होगा जो मेरा अनुमान था कि ये जो बड़ी सिस्टर द्वेष में चली गई, छोटा भाई द्वेष में चला गया, और दोनों के द्वेष में जाने के कारण ये बीच वाली सिस्टर थी, तो उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई होगी, क्योंकि हाँ। अगर दो लोगों का रोग सेम हो तो उनकी दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है, अगर दोनों का दुश्मन कॉमन हो तो। अब उन दोनों ने जो है माता जी को कुछ कहा, क्योंकि माँ का व्यवहार बदला था उसके बाद, माँ को शिकायत करना शुरू किया होगा। क्या शिकायत? कि भाई बड़ी सिस्टर बोलती होगी कि भाई जब से एमसीए क्या करने लग गई, बिस्तर पे चाय चाहिए, बिस्तर पे खाना चाहिए, यही पढ़ने वाली है क्या, हमने पढ़ाई नहीं है की है क्या, हम आदमी है घर के कि नौकर है, जो भी बातें कहती होगी। छोटा भाई भी कुछ कुछ कहता होगा, पढ़ाती नहीं है, ध्यान नहीं देती, हमेशा डांटती रहती है, जो भी। माँ ने फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा इस बेटी का, अच्छा जो लड़की ईगो में चली गई है उसका व्यवहार निश्चित हो रहा होगा कि उसमें अनिश्चितता आता होगा? अनिश्चितता, अनिश्चितता आती है ऐसे में, कॉन्फिडेंस अपना लूज करता है बच्चा। तो माँ बाप ने जब ऑब्जर्व, मम्मी ने जब ऑब्जर्व करना उसको शुरू किया होगा तो उसने भी व्यवहार में ये सब पाया होगा, तो उसने पिताजी को कहना शुरू किया होगा कि भाई लड़की है, आप इतना सर पे चढ़ा के रखे हैं, इतना न्यूज में उल्टी पुल्टी खबरें आती रहती हैं, कभी हाथ से ना निकल जाए, हमारी बेटी की खबर हमको ना पढ़नी पड़ जाए, जो भी कहा होगा। पिताजी बीच बीच में नाराज भी हो जाते होंगे कई बार, और उसको डांटने भी लगते होंगे, होश में आ जाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो एक बार बढ़ा चढ़ा के ईगो बढ़ा रहे हैं, फिर डांट डपट के है ना गलत सलत आकलन करके डिप्रेशन बढ़ा रहे हैं, फिर कोई आ गया तो बढ़ा चढ़ा के ईगो। अब ये गोल गोल जो ईगो डिप्रेशन घुमा रहे हैं उससे लड़की का व्यवहार बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया होगा जी, होगी। तो क्लास में बच्चों के बारे में उसको लगता होगा कि ये सब क्या मेरे सामने बातचीत करेंगे, मैं तो अपने पूरे परिवार का एक रीढ़ हूँ। और जब डिप्रेशन में चली जाती होगी तो उसको लगता होगा कि ये सब लड़के हम से हम ये सब दोस्तों से मैं बात भी कर सकती हूँ क्या, चुप रहने लगती होगी। अब ऐसे फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती चलेगी या टूट जाएगी? ज्यादातर लोगों की टूट जाती थी, हाँ जी टूट जाएगी थी। अब थोड़ा सोचेंगे ना इसको, ये तो सामान्य बात लगती है, लेकिन होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे पूरी क्लास में पूरे कॉलेज में एकदम अलग थलग पड़ जाता है, किसी से बातचीत नहीं कर पाता, घुटन में रहता है, शेयर तक नहीं कर पाता, है ना। और घर की स्थिति को सोचिए कैसा होगा, घर में 5 सदस्य है, 5 में 4 का एक ग्रुप बन गया, ये अलग थलग पड़ गई है, लॉबिंग जैसे हो, क्योंकि बाकी 5 को तो अलग लग, 4 को अलग लगने लगा है। अब वो लड़की घर में भी अकेले, कॉलेज में भी अकेले, पूरे 24 घंटे कितना घुटन चलता होगा उसकी कल्पनाशीलता में, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसे में। एक दिन वो मिली है ना, इस सब चर्चाओं के बाद कभी 8-10-15-20 दिन बाद कभी मिली होगी, मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्या हाल चाल है तुम्हारा, रोने लगी एकदम रुआसी होके, बोली कि सर अब बर्दाश्त नहीं होता, मन करता है कि कुछ कर लो, है ना। अब ऐसी हालत में जो बच्ची पहुंच रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अपने ही परिवार के लोग, उनको होश नहीं है कि वो किस तरह का मूल्यांकन कर रहे हैं, है ना। तो देखने में तो बड़ी सहज लगती हैं ये बातें, अधिमूल्यन अवमूल्यन समान हंसी मजाक में हम लोग करते रहते हैं बच्चों के साथ, लेकिन उसी से धीरे धीरे तनाव पैदा होता है, उसी से निराशा पैदा होती है, अवसाद पैदा होता है, तरह की दुर्घटनाएं भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। इसलिए मूल्यांकन का भी सही होना और सही मूल्यांकन को प्रस्तुत करना ये आवश्यक है, अन्यथा इसी तरह की चीजें उलझती चली जाती है। इसलिए मैं उस समय कह रहा था कि देखने में ये बातें सहज लगती हैं, लेकिन परिवार में इन सब चीजों को बहुत गहराई से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, परिवार में बहुत गहराई से इस मूल्यांकन को करने की आवश्यकता है ना। मैं एक दो लोगों के ऑब्जर्वेशन इस पर लेकर के आगे बढ़ूंगा,
आप में से कोई कुछ कहना चाहता हो इस पर, तो किसी एक लोग का ले लेते हैं, बाकी लोगों में से किसी एक लोग का, फिर थोड़ा सम्मान के बारे में और बात करेंगे। जी क्या हाँ लगता है? जी भैया, मैं ये कहना चाहूंगी दो लाइन कि एक तो क्या है कि पुरुष प्रधान देश है भारत, तो यहाँ पर जो पुरातन एक मान्यता है उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। और मनुष्य का स्वभाव क्या होता है भैया कि जो हमने पाया होता है ना वही हम देते रहते हैं। जी तो ये एक बहुत बड़ी ग्रंथि है स्त्रियों की तरक्की में, उनके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो औरतों ने पाया है पहले से उसी मान्यता को लेकर आगे चल रही हैं वो, तो वही देती रहती हैं, बार बार टोकती रहती हैं कि थोड़ा देख लो ये कैसे कर रही है। आज की बेटियां देखिए थोड़ा आधुनिक होती जा रही हैं धीरे धीरे, और जागरूक भी होती जा रही हैं, तो पुरानी औरतों को ये इतना हजम भी नहीं हो पा रहा है और वो इतना समझ भी नहीं पा रही है इस चीज को, क्योंकि अभी ना, अभी बाकी लोगों को भी देखना ही होगा। आपने ये कहा था भानु भैया, जी जी जो जो वो आपने जो एग्जांपल दिया उनका, जी मैडम का, लड़की का, कि जो जी आप उसने जो कुछ कहा ना वो आपने हाँ अच्छे से रीड कर लिया। उसने ये कहा था, मैं सुंदर नहीं, ये नहीं कहा था, उसने कहा मैं इस व्यवस्था में, इस समाज में फिट नहीं बैठ पा रही हूँ, ये कहा आपसे, ये जी आपने जी पढ़ा, ये ठीक है ना? कहना तो वो यही चाह रही थी सत्य हाँ, सत्य। ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कि भले आपने क्या देखा, उसने क्या सुना, लेकिन आपने अच्छे से रीड कर लिया कि मैं इस पूरी व्यवस्था में फिट नहीं बैठ पा रही, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द, ऐसा उसको लगने लग गया था। जी ये जी फिर वो लिंक कई बार सुंदरता से, कई बार डिग्री से, कई बार कर स्त्री देते होने हैं। से, कई बार इग्नोर हाँ होने से, वो सब जुड़ता चला जाता हाँ है ना। ये तो सुंदरता तो बाहर ही आवरण है, उसको चाहे स्त्री हो बनने या का कारण पुरुष हो, है। सम्मान तो दोनों को आवश्यक है। जी उस पर बात करेंगे आगे। जी कोई लोग और कुछ कह रहे थे? जी सर, सर इस समस्या का फिर हल क्या होगा? यस यस, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुड ये क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये समस्या तो दिख गई, इसका हल क्या होगा? तो इसका हल होगा है ना, राइट इवेल्युएशन, सही सही आकलन। तो जब मैं अपना सही सही आकलन कर लेता हूं ना, तो कोई आदमी चार लाइन मेरे बारे बढ़ा के बात करता है तो मुझे दिख जाता है कि अब ये चापलूसी कर रहा है, अब जरूर आगे कुछ और कहता है ये, तो मैं ईगो में नहीं जाता, हाँ बल्कि उसको कह पाता हूँ कि भाई 10 बातें आपने बोली है, 4 सही है, 6 ठीक नहीं है, ठीक करो, है ना। आगे बात करता है तो भी मुझे दिख जाता है कि इसको इतना ही दिख रहा है, ये अभी दिख नहीं रहा है ना, तो इसको अपनी दृष्टि बढ़ाने की जरूरत है ना, ये मेरे को दिख पाता है। तो एक बार अगर मैं अपना सही आकलन कर लेता हूँ ना, तो मैं इस ईगो के जाल से बाहर निकल पाता हूँ, डिप्रेशन के जाल से भी बाहर निकल पाता हूँ। जब तक मेरे पास अपना सही आकलन नहीं रहता, तब तक दूसरे के कहे गए शब्द ही मेरे को गोल 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 ईगो डिप्रेशन में घुमाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मैं उनके बोले गए शब्दों के द्वारा एक रिमोट कंट्रोल के खिलौने की तरह चलता रहता हूँ। लेकिन अगर मेरा सही सही आकलन मेरे पास स्वयं के पास है, अधिमूल्यन या अवमूल्यन बोले गए शब्द मेरे को हिला नहीं पाते, है ना। तो सही आकलन अपना कर लेना इसका उपाय। तो अब प्रश्न अभी भी आपका वही खड़ा है कि हम अपना सही आकलन कैसे करें, ठीक है ना दीदी? हेलो, जी, सही 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 आकलन कर ले ये जी बात तो जी ठीक सर है, लेकिन प्रश्न तो अभी भी वही हाँ खड़ा है ना कि हम अपना सही आकलन कैसे करें, है ना। तो उसके बारे थोड़ी बात कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम इसलिए अपना सही आकलन अगर करने जाए तो प्रश्न ये सब है। लोग गहन चिंतन में डूब गए ना, इसलिए जरा विषय थोड़ा जी जी कठिन हो रहा है। नहीं अच्छा सही, नहीं चिंतन तो देखिए गहन है ही, यस और जब गंभीर सामने सामने रहते हैं तो है। और यस अच्छे से बात हो पाती यस है। यस तो जो सही आकलन है वो सेल्फ के आधार पर होगा कि बॉडी के आधार पर होगा किसी भी आदमी का, क्या लगता सेल्फ के आधार पर सर, है? सेल्फ के तो सही आकलन तो सेल्फ के आधार पर होगा। जी पोल भी ले लेते हैं, एक पोल भी इससे जुड़ा हुआ है, बाकी लोगों का पोल ले लेते हैं, तब तक बात करते रहते हैं। जी भानु भैया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी इसी संदर्भ में जी कि जैसे ये बहुत ही प्रमुख घटना आपने यहाँ चित्रित की है, जो स्त्री पूरे देश की स्त्रियों का यही हाल है, तो ऐसे में जो स्वयं आकलन का हमने विषय लिया है, तो ऐसे में जब जब सभी हमें कमजोर करना चाह रहे हैं, सभी हमें टीका टिप्पणी करके हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम खुद को हम और ज्यादा मजबूत कैसे बनाएं? जी दीदी, अब मुद्दा स्त्री पुरुष का ही नहीं है, क्योंकि डिप्रेस तो आजकल पुरुष भी खूब हो रहे हैं, यस तो यस बल्कि आप देखेंगे तो है ना,
एक समय तक चलता था महिला सशक्तिकरण आंदोलन, जी हाँ जी, है ना, क्योंकि लगता था महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो सब जगह कहना पड़ता था महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो। मैं दिल्ली गया हुआ था, वहां मैंने देखा बस पे लिखा हुआ था, है ना, पुरुष सशक्तिकरण आंदोलन। लिखा हुआ था क्या आप अपनी पत्नी से पीड़ित है, ये नंबर है, संपर्क करें। अच्छा, मुझे लगा कि दिल्ली जैसे शहरों में ही ये होगा, तो मैं कानपुर में किसी से इस घटना को बता रहा था, तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, है ना, यहाँ से एक गांव का नाम किसी ने बताया, बोले वहां दो चार लोग हैं, उन्होंने कानपुर में एक बहुत बड़ा एसोसिएशन बना रखा है खास तौर से जो महिलाओं से पीड़ित होकर तलाक के चक्कर में फंसे हैं, है ना, और वो खुद भी जो है उसको करते हैं और औरों को भी बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो दीदी अभी जो हो गया है ना कि ये लाइन तो चला लंबे समय की, स्त्रियों का सम्मान करें, पुरुषों का क्या करें? सर पुरुष प्रधान तो हमको लाइन कहना पड़ता है कि पुरुष प्रधान है, है ना, लेकिन अभी देखेंगे ना तो जैसे दहेज का कानून चलता है, आपका क्या अनुमान होगा, जितने भी केसेस दहेज वाले पुरुष महिला सशक्तिकरण के लिए चले हैं, ये ना केसेस दहेज वाले जो ना कानून बनाया गया है, क्या अनुमान है, क्या 100% इसका सही सदुपयोग हो ही रहा है या बहुत सारा दुरुपयोग भी हो रहा है? सर दुरुपयोग भी हो रहा है तो जो लोग उसमें होंगे वो ठीक से बता पाएंगे, स्पेशली लॉ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान या पुरुषों का सम्मान, सम्मान तो सभी के लिए आवश्यक है, तो सबका कर ले ना। हाँ जी, और चलिए सबका कर लेते हैं। अच्छा, उसको भी जब सेल्फ के आधार पर सम्मान करने जाएंगे दीदी ना, तो सेल्फ में स्त्री पुरुष तो होता नहीं है, विचार होता है ना, स्त्री पुरुष तो बॉडी के लेवल पे है, मान अगर स्त्री का होगा जिसका सेल्फ शरीर स्त्री का है, उस सेल्फ को भी उतनी ही पीड़ा होगी, जिसका शरीर पुरुष का है उसके सेल्फ को भी उतनी ही पीड़ा होगी। अच्छा, झंझट झंझट क्या हो गया है ना कि सम्मान को बिना ठीक से समझे ना हम सम्मान के लिए, है ना, परेशान होते रहते हैं, तो थोड़ा सम्मान को और समझ लेते हैं फिर इस प्रश्न पे और बात करेंगे, है ना। तो अभी ठीक से देखेंगे ना, तो सम्मान जब सेल्फ के आधार पर करने जाएंगे तो क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसे तय करेंगे कि भाई क्या सम्मान है नहीं है, तो अभी मैं उसके लिए कुछ प्रस्ताव रख रहा हूँ। एक सेल्फ जिसका उसको लक्ष्य स्पष्ट है, तो क्या लक्ष्य है सेल्फ का, मैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ। क्या ये सिर्फ मेरे ही सेल्फ का लक्ष्य है कि आपके सेल्फ का भी लक्ष्य है? हाँ, ये सभी के लिए, सभी के। हाँ, तो एक बात ये स्पष्ट होती है कि सहज स्वीकृति के आधार पर हम सभी का लक्ष्य एक जैसा है, हमारे सेल्फ का भी, आपके सेल्फ का भी। इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो हम निरंतर सुखी कैसे हो सकते हैं, चार स्तर की व्यवस्था को सही सही समझ कर और सही सही जी कर, यही कार्यक्रम होगा ना। सुखी होता हूँ तो क्या मेरा ही सेल्फ सही समझ के सही जी के सुखी होगा, या आपका सेल्फ भी सही समझ के सही जी के ही सुखी होगा? जी, सभी का होगा, सभी स्तर पे। हाँ, हमारा आपका और सबका कार्यक्रम भी कैसा है, एक समान, सभी का एक समान है, चाहे स्त्री पुरुष हो चाहे हम आप हो, हम सबका लक्ष्य एक जैसा है, कार्यक्रम एक जैसा है हमारे सेल्फ का। अब अगली बात आती है क्षमता, कि हमें इस कार्यक्रम को करके लक्ष्य को पाने की क्षमता है या नहीं। तो किसी चीज को भी हम किससे समझते हैं, अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करके। समझ में आ गया है उसको जीने में कैसे लाते हैं, इसी कल्पनाशीलता का प्रयोग करके। तो जैसे आप जिस बिल्डिंग पे बैठे हैं ना, जिस घर में, वो घर पहले किसी के कागज पे बना होगा तब जमीन पे बना होगा, और कागज पे भी बाद में बना होगा, कल्पनाशीलता में पहले बना होगा, है ना। तो आप कुछ भी समझते हैं कल्पनाशीलता का प्रयोग करके ही समझते हैं, जो समझ में आ गया उसको जब जीने जाते हैं तो उसको भी कल्पनाशीलता के प्रयोग से ही जीते हैं। तो ये इच्छा विचार आशा रूपी कल्पनाशीलता आप पे कभी कभी चलती है, निरंतर चलती है? निरंतर चलती, निरंतर चलती, कल्पनाशीलता तो रुकती नहीं, सही है। देखने की जो सहज स्वीकृति है वो भी आप में और हम में बनी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो एक क्रम है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, यहाँ तक कि भैया हम सो भी जाते हैं तो भी मन मस्तिष्क में चलता ही रहता है, रहता। और ये मेरे में चल रहा है कि दूसरे में भी चल रहा है? सब में चलता रहता है। इसलिए हमारी आपकी सबकी क्षमता भी एक समान है। हाँ जी, है ना।
तो मैं इस कल्पनाशीलता का प्रयोग करके चार स्तर की व्यवस्था को सही सही समझ सकता हूँ, जी सकता हूँ और अपने लिए सुख समृद्धि को सुनिश्चित कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही दूसरा भी प्रकृति प्रदत्त इस कल्पनाशीलता का सही सही प्रयोग करके अपने आसपास जो जीने का फैलाव है चारों स्तर की व्यवस्था को सही सही समझ सकता है, सही सही जी सकता है और अपने लिए सुख समृद्धि को निरंतरता में सुनिश्चित कर सकता है। तो इस तरह जब देखते हैं तो हमको स्पष्ट होता है कि मेरे और आपके और हम सबके सेल्फ का लक्ष्य एक जैसा है, कार्यक्रम एक जैसे है, क्षमता एक जैसा है। इसलिए अब हम सेल्फ के आधार पर ये कह पाते हैं कि दूसरा मेरे जैसा है। हाँ जी, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सेल्फ के आधार पर तो दूसरा मेरे जैसा है, कम से कम इन तीन मुद्दों के आधार पर। तो अब हम ये कह पाते हैं कि अब हम किसी से भी बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में रहता है कि इन तीनों के आधार पर तो दूसरा मेरे जैसा है। और ये किसी के भी सम्मान का मिनिमम कंटेंट है। हम पहली बार भी अगर किसी से भी मिल रहे हैं, आज तक नहीं मिले हैं, तो भी हमको स्पष्ट है कि उसका लक्ष्य मेरे जैसा है, कार्यक्रम मेरे जैसा है, क्षमता मेरे जैसा है, उसका सेल्फ मेरे जैसा है। और जब हम उसको अपने जैसा स्वीकार के बाद शुरू करते हैं, ये किसी के भी सम्मान का मिनिमम कंटेंट है। तो एक तो सम्मान को देखने का, आकलन करने का ये दृष्टि है। एक और तरह से हम लोग सम्मान को देखते हैं, एक तो ये है जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे है, एक दूसरा स्क्रीन पे ला देता हूं फिर चर्चा करेंगे। ये सम्मान का न्यूनतम भाग है, मिनिमम कंटेंट है। दूसरा, ठीक से देख लें कि जब भी हम सम्मान के लिए प्रयासरत होते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे को अपने जैसा स्वीकारने का प्रयास करते हैं या हम दूसरे से कुछ विशेष हैं, कुछ भिन्न हैं, कुछ अलग हैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं? क्या लगता है? होता यही है, सेकंड सर, विशेष दिखाने का प्रयास करते जो गलत। जबकि हमको स्वीकार ये वाला है कि हमको दूसरा अपने जैसे स्वीकारे, लेकिन जब जीने जाते हैं तो हम कोई ना कोई आधार बनाकर अपने को दूसरे से भिन्न दिखाने का प्रयास करने लगते हैं सम्मान के नाम पर। किन चीजों को आधार बनाते हैं अगर उसको देखेंगे तो पता लगेगा। इतनी सारी चीजें हैं जिनको हम लोग आधार बनाते हैं, इतनी सारी चीजें। कभी हम अपने आप को आयु के आधार पर विशेष बताने लगते हैं, कभी जेंडर के आधार पर, कभी रेस के आधार पर, कभी बल के आधार पर, कभी धन के, कभी पद के, कभी संप्रदाय के, कभी वाद के, कभी सूचना के, इन सब के आधार पर हम अपने को विशेष बनाकर दूसरों से अलग साबित करके सम्मान पाने का प्रयास करते हैं, जो कि वास्तव में भेद है, डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन किसी को भी सम्मान स्वीकार नहीं, डिफरेंशिएशन किसी को भी सम्मान जैसा नहीं लगता, बल्कि ये अपमान है। और चूंकि ये सहज स्वीकार नहीं होता, इसलिए आज के दिन इन सबको लेकर के आंदोलन चल रहा है। जनरेशन गैप का आंदोलन, क्या कहते हैं, मेल फीमेल का ये जो बात हो रही थी, महिला सशक्तिकरण या पुरुष सशक्तिकरण आंदोलन, रेसलिज्म का आंदोलन, धनी निर्धन का आंदोलन, बलशाली दुर्बल का आंदोलन, पद पदहीन का आंदोलन, सबको लेके आंदोलन चल रहे हैं। समाज में जब तक चल रहे थे तब तक तो एक तरह से आदमी बचा लेता, तो घर में चलने लग गए इन सबके आंदोलन। और ये क्यों चल रहे हैं? उसका मूल कारण ये है कि हमने सम्मान को सेल्फ के आधार पर दूसरे को अपने जैसा स्वीकार कर देखने की जगह, है ना, हम सम्मान के नाम पर भेद करने लग गए हैं और अपने को या दूसरे को के साथ डिफरेंशिएशन करने लग गए हैं। तो प्रयास कर रहे हैं सम्मान का और कर क्या रहे हैं? अपमान। आप ही थोड़ा जांच के सब लोग देखिए, आप सम्मान के लिए किसको आधार बनाते हैं? ये सब जो दिखा रखा है हमने इसको, या इससे पहले सेल्फ वाला जो दिखाया था उसको, और आपको सहज रूप से स्वीकार कौन सा वाला? सर, जो जो अब दिखाई दे रहा है ये हमारा मुखौटा हो गया है। जी जी, इसको को लेकर हम अब ज्यादातर अपना सम्मान शो करते हैं, वास्तव में ये है अपमान। अपमान है ना? और हमको स्वीकृति किस बात की है कि दूसरा अपने जैसा स्वीकारे, क्योंकि उसका लक्ष्य कार्यक्रम क्षमता तो मेरे जैसा ही है, हम उम्र में छोटे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, है ना। तभी आप देखेंगे पर हर कोई भनु भैया, पर हर कोई आज की मुखौटा ही देखना चाहता है ना, तो हर कोई में मैं शामिल हूँ कि नहीं भैया? जी मैं भी हूँ ना, मैं भी वही चाह रहा हूँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। अभी इससे पहले आपने तीन तो उसको सही समझना शुरू कर लूँ, और परिवार में तो कम से कम चीजों को ठीक कर ले, समाज वाले मुखौटे को धीरे 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 ठीक करें। यदि हम मुखौटा हटा के बात करते हैं तो हमारे परिवार के लोग ही, हम इतनी दुमना लोग, अपन जब सुखी चाहते हैं परिवार सुखी रहे और उसके लिए अपन सब कुछ करते हैं, पर कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं दूसरे के जैसे, तो अपने परिवार के लोग हमसे दुखी होने लगते हैं।
जी, तो जैसे आप देखेंगे ना, आयु के आधार पर जो भेद हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो आप जितने बड़े लोग हैं सबका परिचय करा देंगे, घर में जो छोटा बच्चा होगा ना उसका परिचय कराना भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अनकंफर्टेबल हो जाता है एकदम, है ना। वो जहां भी खेल रहा होगा उससे पहले वो आ जाएगा उसी कमरे में जहाँ गेस्ट होंगे, गेस्ट के उसी कमरे में गोल गोल घूमने लगेगा। को अभी भी ध्यान नहीं आ रहा है कि आपने परिचय नहीं कराया, उसका अपमान हो गया, भेद हो गया, है ना। तब वो क्या करेगा, इधर आप बैठे हैं इधर गेस्ट बैठे हैं, वो बीच से आने जाने लगेगा, है ना। अब वो बीच से आ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी तक उसका परिचय नहीं हुआ, उसके साथ डिफ्रेंशिएशन हुआ है, है ना। लेकिन हमको ध्यान नहीं जाता, तब भी तो बच्चा जाएगा कमरे से कोई सामान उठाएगा गिरा देगा टूट जाएगा, तब हमारा ध्यान जाएगा, हम कहेंगे बहुत बदमाश बच्चा है, जब भी घर में कोई आ जाता है ऐसी शरारत करता रहता है, है ना। अब उसका परिचय हो गया, वो आराम से चला जाएगा। हाँ जी, उसको अटेंशन चाहिए, और कुल मिला अटेंशन की जगह यूं कहना पड़ेगा कि वो भी चाहता है जैसे सबका परिचय हो रहा है मेरा परिचय भी। उसी प्रकार से फॉर्मल इंट्रोडक्शन उसका सेल्फ और इनका सेल्फ सबका। नहीं, पर हम छोटों की सुनते कहाँ है, हमारे अंदर तो ये है ना, हम छोटों की सुनते नहीं है, अब बड़े की सुन लेंगे। इसीलिए इसीलिए ये समस्या खड़ी हो गई है ना, हमारे अंदर रहता है हम छोटा है, हम उसकी क्यों सुने, हम बड़े हैं, अपनी बात रखेंगे, हमारी बात स्वीकार करें। किसी किसी बड़े को जब अपन बुलाते हैं तो कहते हैं इधर आइए, और जब छोटे बच्चे को है इधर आ, ये जैसे हमने कहा ना इधर आ, उसको तुरंत सेल्फ को हर्ट होता है कि अपमान हो रहा है मेरे साथ। लेकिन शरीर में छोटा है तो कुछ कह नहीं पाता, तो धीरे धीरे आता है, डर रहता है उसको ना, क्योंकि आप जो है अमानवीयता पे अगले स्टेप पे, इसलिए वो धीरे धीरे आता है। लेकिन अंदर से तो वो संकेत दे ही देता है कि मैं आपसे असहमत हूँ, आप भेद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखेंगे ना, घर में कोई बुजुर्ग है ना, हो गए 75-80 साल के, चलने फिरने में कठिनाई है, सामान्य तो हम लोग एक कमरे में उनको व्यवस्था कर देते हैं। अब घर में कोई आया, हमने सबका परिचय करा दिया, उनका परिचय कराना भूल गए, परेशान हो जाते और वहीं खांसने लगेंगे। अब वो खांसी नहीं आ रही उनको, वो ध्यान दिला रहे हैं कि कुछ डिफरेंस हम भी आए हैं अच्छा, आपका फिर भी ध्यान नहीं जाएगा कि ये सब हो गया है गड़बड़। फिर क्या होगा, वो फिर चिल्लाने लगेंगे, पानी दे के आओ, पानी दो, प्यास लग रही है। आप कहेंगे अभी तो पानी पिला के आए हैं, अब वो पानी नहीं मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दिखावा करते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते हैं, जो हमको थोड़ा अच्छा ही लगता है, बस बात ये है। वही तो, ये जो डिफरेंशिएशन उनके साथ हो गया है, उससे परेशान हो रहे हैं, वो भी अपना परिचय देना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं उनका भी परिचय हो, उनका भी सम्मान हो, है ना। तो अभी देखेंगे तो बच्चा है या बुजुर्ग है या युवा है, ये सबका सेल्फ तो एक ही जैसा है, है ना, सब है ना, डिफरेंशिएशन किसी को स्वीकार नहीं है। सहज के साथ एक जैसा स्वीकार के क्यों नहीं जी पाते, क्यों हमने शरीर के आयु के आधार पर घरों में ही भेद कर रखा है। बुजुर्गों को बात करने के लिए अपने जैसे बुजुर्ग ढूंढने 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। बच्चों को देखें तो बच्चे जो है घर में बड़ों के आते ही दूसरे कमरे में चले जाते हैं, तो बुजुर्गों का अलग एरिया हो गया है, युवाओं का अलग हो गया है, बच्चों का अलग हो गया, एक ही घर में ये 3-3 दुनिया कैसे रह रही है। वो बच्चा बैठ के कार्टून देखेगा, ताजी आएंगे एक चाटा लगाएंगे, डांट डपट लगा के रिपोर्ट छीन लेंगे, बोले जाओ भागो। माँ पूछेगी भाई आपने छीन लिया, वो बच्चा कार्टून देख रहा था, बोले कार्टून देखता रहता है, सब करेक्टर आपस में मारपीट करते रहते हैं, ये क्या कर लेता है, फालतू समय बर्बाद लगा के बैठ जाएंगे। वो बच्चा जाके छोटे भाई से कमरे में कहेगा अमेरिका अफगानिस्तान पे बम गिरा ले रहा, ये क्या कर ले रहे हैं न्यूज देख के तो ये भी कुछ नहीं पा रहा हमारे बात करते हैं तो देखेंगे स्वीकार तो नहीं पाता ना वो भेद को, है ना भाई। उसके लिए कार्टून इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके दोस्तों में कार्टून कैरेक्टर्स की बात होती है। आपके लिए भी न्यूज मात्र इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके दोस्तों में न्यूज की बात होती है, हमारी आवश्यकता है, हमारा न्यूज तो आप भी कुछ ऐसा है, हमारी आवश्यकता है न्यूज देखना, तो उनको लगता है वो देखे, उसके बच्चे को वो अच्छा लगता है। आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि आपके मित्रों में आपके सर्किल में उसकी बात होती है जी, तो अब जानकारी अपडेट अपने आप अपडेट करना पड़ता है उसके लिए, अन्यथा अन्यथा आप भी क्या कर सरकार अफगानिस्तान का। बात तो सही कह रहा है, उसके दोस्तों में छोटे भीम की उसी डोरेमोन की बात होती है, तो इसलिए उसको महत्वपूर्ण लगता है, जबकि वास्तविकता ये हो सकती है
कि थोड़े समय हम उसके कार्टून के करेक्टरों की भी बात कर सकते हैं, उसके साथ भी थोड़े समय कभी बैठकर उसके कार्टून को देख सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे वो भी हमारे न्यूज के करेक्टरों में इंटरेस्ट ले पाएगा, तो कभी कभी हमारे साथ बैठ के भी न्यूज देख पाएगा, दोनों की दुनिया एक हो पाएगी। ये जो घर में तीन दुनिया बसने लग गई है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड हो गया ना, जैसे पृथ्वी पे चलता है, ये तीनों दुनिया एक हो सकती है ना। एक बार ये समझ में आ जाए कि सबका सेल्फ एक जैसा है, तो घर के भीतर ही ये जो हमने इतना भेद कर रखा है वो खत्म हो सकता है। त्रिपुरुष का भेद खत्म हो सकता है, गोरे काले का भेद खत्म हो सकता है, लंबे छोटे का भेद खत्म हो सकता है ना। इतना सब हमने ये जो भेद फैला रखा है, इससे बाहर निकल सकते हैं और सहज ही सबका सम्मान कर सकते हैं। सम्मान जब सबकी आवश्यकता है तो सब तो रहेगा ना, भेद कहां जाएगा है? तो ये भेद कहां जाएगा, भेद तो रहेगा ना भाई, तो भेद तो रहेगा, शरीर छोटा बड़ा तो रहेगा, लेकिन हमारी दृष्टि अब उसके आधार पर मूल्यांकन की नहीं रहेगी। अगर सम्मान ठीक से समझ में आ जाए तो, और नहीं समझ में आ जाए तो फिर तो ढो ही रहे, घुट रहे हैं और दूसरों को घुटन में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये सम्मान ठीक से समझ में आ जाए तो शरीर छोटा बड़ा तो रहेगा ही, काला गोरा तो रहेगा ही, स्त्री पुरुष रहेंगे ही, लेकिन अब वो हमारे मूल्यांकन का आधार नहीं होगा। मूल्यांकन का आधार तो सेल्फ होगा, सेल्फ का लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता की स्पष्टता होगी, है ना। तो हम सहज ही इस आधार पर परिवार में, परिवार के बाहर एक एक आदमी का सम्मान कर सकते हैं। तो अगर एक बार ये बात समझ में आ जाए ना, तो सम्मान जैसा भाव जिसके लिए हम सब लोग इतना मेहनत करते हैं, सहज ही सबको उपलब्ध करा सकते हैं जी भैया, को उपलब्ध करा सकता है, है ना। घर की स्थिति बिल्कुल भिन्न हो सकती है, ऑफिस की स्थिति बिल्कुल भिन्न हो सकती है ना। उसके लिए रोल मॉडल हमको ही बनना पड़ेगा, हमको ही आगे आना पड़ेगा, और हमें ही वो चाहिए, मतलब तभी हो सकता है। तो वही हमसे शुरू होगा, फिर धीरे धीरे मतलब जी सही करेंगे, ये अधिमूल्यन हो गया ना? तो हम इसको शुरू कर लेंगे, जितने जितने लोगों के बीच में सेल्फ के आधार पर मूल्यांकन ध्यान में आता जाएगा, कम से कम वो तो आपस में इस चीजों को ठीक कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब इसको शिक्षा में लाएंगे तो शिक्षा के माध्यम से हर एक बच्चे तक ये बातें ध्यान में आएंगी, तो हर एक बच्चे के लिए ठीक हो सकता है ना जी। तो एक बार अगर ये ध्यान में आ गया ना कि लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता के आधार पर दूसरे का सेल्फ मेरे जैसा है, तब चौथा मुद्दा एक महत्वपूर्ण ध्यान में आता है। लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता तो सेल्फ का एक जैसा है, लेकिन योग्यता के तो योग्यता थोड़े एक जैसा है, योग्यता है ना, और योग्यता तो सेल्फ का ही, तो किसी की योग्यता हमसे अधिक होगी और किसी की योग्यता हमसे कम होगी। जाते हैं तो योग्यता में मैं डिफ्रेंसिएशन नहीं करता हूँ, बल्कि परस्पर पूरकता को पहचानता हूँ और निर्वाह करता हूँ। कैसे भैया? जैसे अभी आपने पहले बोला था कि सब एक जैसे, हाँ भैया अभी आपने पहले बोला था सब एक जैसे होते हैं, सबका सेल्फ, हाँ मैं पहले उसको पूरा कर दूं। लक्ष्य, कार्यक्रम के आधार पर हम सबके सेल्फ तीनों, हम सबके सेल्फ एक जैसे हैं, लेकिन जो चौथा बिंदु योग्यता है ना, तो हो सकता है आपके सेल्फ की योग्यता किसी चीज में हो, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस में योग्यता हो सकता है, है ना। तो ये योग्यता में तो भिन्नता हो सकती है, कोई घर में खाना बनाने में अधिक योग्य हो सकता है, कोई बाजार करने में अधिक योग्य हो सकता है, कोई वाहन चलाने में अधिक योग्य हो सकता है, में तो भिन्नता रहेगी ना भैया। क्षमता कैसे भैया हो सकती है? क्षमता भी अलग अलग होगी, देखेंगे ना। तो समझने की जो क्षमता है वो कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता के माध्यम से ही हम आप समझते हैं, तो मेरी और आपकी दोनों की इमेजिनेशन। आपसे तीन दिन से जुड़ा हूँ, कुछ बहुत से प्रश्न थे मेरे मन में जिनका समाधान अपने आप मुझे मिल गया सेल्फ, मतलब आपकी बातों से। मतलब जो कल्पनाशीलता वाली बात, कल्पनाशीलता तो हमारे अंदर 24 घंटे जब यदि हम चेतन रहेंगे तो कल्पनाशीलता रहेगी, कल्पनाशीलता इतनी अधिक होती है कि उसकी कोई हम पूरी नहीं कर पाते। वही तो अभी वो चलती रहती है, और उस कल्पनाशीलता का अगर हम ठीक से प्रयोग करते हैं व्यवस्थित तरीके से किसी मुद्दे पर, तो वो हमको समझ में आता है। जैसे अभी चर्चा हमारी आपकी हो रही है, अगर आपकी कल्पनाशीलता इसी मुद्दे पर स्थिर रहती है तो आप समझ पाते हैं, चर्चा कहीं और हो रही है, कल्पनाशीलता कहीं और चली जाए आपकी, तो आप उसको नहीं समझ पाते। तो कल्पनाशीलता तो चल रही है, तो करते हैं तो समझ पाते हैं, नहीं सदुपयोग कर पाते तो नहीं समझ पाते, दो चार दिन बाद सदुपयोग करते हैं तब समझ में आ जाता है। भैया एक क्वेश्चन था कल का मेरा, हाँ लेकिन भैया मैं थोड़ा चाहूंगा ना कि अपने पास 5 मिनट का समय है, तो मैं थोड़ा
इसको थोड़ा कंक्लूड कर लो भैया, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग 5 बजे के बाद डिस्कनेक्ट होने लगते हैं ना। ठीक है ना, इसके 5 के बाद करेंगे। तो जो योग्यता की बात है, तब योग्यता में दो बातें हो सकती हैं। सर जैसे योग्यता है ना, तो योग्यता तो अलग अलग जगह अलग अलग होगी ना, तो वो उसका आकलन भी हम अलग अलग जगह, जैसे वर्किंग प्लेस पे अलग होगा और घर पे अलग होगा और रिश्तेदारों में अलग होगा, ऐसा भी तो होगा। का तो आकलन हम करते ही है ना, अगर ऑफिस में भी देखेंगे तो 10 लोग हैं, तो किसी के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, किसी के साथ नहीं, तो योग्यता को तो आंकते ही है वहां पर। हाँ सर। तो अब वहां दो भिन्नताएं मिलेंगी, दो मतलब संभावनाएं, किसी की योग्यता हो सकता है आपसे अधिक हो, तो यदि दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मैं दूसरे से समझने को तैयार रहता हूँ। हो सकता है कि मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ, दूसरा कम है, तो क्या करूंगा, उसको सर उसकी योग्यता को बढ़ाने की प्रयास करूंगा। जो सुबह मैं कह रहा था, जैसे ही हम उसकी योग्यता को बढ़ाने जाते हैं, वो तो अपने आप को हमसे अधिक समझदार मान योग्यता बढ़ाने में लग जाता है। हाँ, जाती है। अगर मैं दूसरे से अधिक समझदार हूँ, जिनके साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीऊंगा, तो एक बार आप लोग म्यूट कर लें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है उससे। जी भैया, उनका म्यूट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जी, तो मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, बिना उसके व्यवहार से प्रभावित हुए और बिना किसी शर्त के, अगर मुझे ये स्पष्ट है कि दूसरा मुझसे कम समझदार है, तो मेरे जिम्मेदारी पूर्वक जीने के कारण, बिना मेरा उसके साथ बेशर्त बिना किसी शर्त के जीने के कारण, वो धीरे धीरे मेरे को अपने से अधिक समझदार जिम्मेदार स्वीकार पाता है। जब ये स्वीकृति उसके भीतर बन जाती है, तब मैं उसका समझने में सहयोग कर पाता हूँ और मेरा सहयोग वो ले पाता है, अन्यथा उससे पहले तक मैं तत्पर तो रहता हूँ, लेकिन वो तब तक सहयोग ले नहीं पाता है मेरा, जब तक कि एक बार वो आश्वस्त ना हो जाए मेरे जीने से, तो उतने तो इंतजार करना पड़ता है उसके आश्वस्त होने तक। तो योग्यता में देखे ना, तो योग्यता में भी जो अलग अलग दिख रहा है योग्यता, ये प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है, बल्कि इससे परस्पर पूरकता आती है, अगर ऊपर वाली 3 बातें समझ में आ गई है। तो अगर मुझे समझ में आ गया है कि आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य एक जैसा है, कार्यक्रम एक जैसा है, क्षमता एक जैसा है, तो जो आपकी अधिक योग्यता है वो मेरे लिए काम आती है समझने में, जो मेरी अधिक योग्यता है आपके लिए काम आती है, इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हो पाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो पाते हैं, परस्पर पूरकता हो पाती है, तो दोनों एक दूसरे के विकास में सहायक हो पाते हैं, है ना। तो अगर सम्मान में देखेंगे तो इतनी बात हमको आप लोगों से शेयर करनी थी, है ना। एक बार इतनी बात ध्यान में आ जाए ना, तो बहुत सारी चीजें और स्पष्ट हो पाती है। जैसे आप देखेंगे ना, तो हम सबने महाभारत की घटना के बारे सुनी होगी, तो ये महाभारत की घटना है। एक समय कौरव पांडव में जो भी लड़ाई झगड़ा था, संपत्ति का विवाद था, गलत सही बंटवारा होकर के कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, है ना, गलत सही करके कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, जो भी सही, ज्यादा राज्य किसी को मिल गया, कम किसी को मिल गया, जो भी होना था। फिर उसके बाद पांडवों ने अपना महल बनाया, है ना, उसका इनॉग्रेशन रखा, उसमें बहुत सारे दुनिया के लोगों को बुलाया, दुर्योधन को भी बुलाया। अच्छा, घर भी कैसा बनाया, जहां फर्श है पानी दिखे, जहां पानी है वहां फर्श दिखे। अच्छा, मेहमानों को बुलाए, मेहमान बुलाते हैं तो भाई नए घर में साथ साथ ले जाके घुमाते हैं, अभी उनको छोड़ दिया अकेले घूमने को। अब दुर्योधन कहीं फर्श को पानी समझ के, पानी को मतलब फर्श समझ के कुछ पैर रखा और गिर गया पानी में। द्रौपदी ने हंस दिया, वहीं खड़ी इंतजार भी कर रही थी महल में वो, कि यहीं आएगा, फंसेगा वो। हंस दिया, अंधे का बेटा अंधा। अभी अंधे का बेटा अंधा सही आकलन है या डिफरेंशिएशन है, गलत आकलन है? गलत। अंधे का बेटा तो अंधा होता नहीं है। गलत है। और जिसका आंखें अंधी हैं, तो भी आप अंधा कहिए तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि उसका सेल्फ तो देख ही ले रहा है, उसे नहीं देख पा रहा है, कान से तो देख ही ले रहा है ना, वो भी नोट पहचान ले रहा है, आपको पहचान ले रहा है। तो इसलिए हम लोग आजकल अंधे को अंधा नहीं कहके बल्कि सूरदास कहते हैं या कुछ इस तरह का नाम देते हैं। गया तो पहले से ही ना परेशान व्यक्ति, उसका पहले से ही इतना सारा द्वेष चल रहा था, है ना। अब वो द्वेष और उससे परेशान व्यक्ति जो है, पहले से ही उसके सेल्फ की हालत ऐसी थी और ऊपर से इतना अपमान हो गया इतने राजाओं के बीच में,
और वहां से फिर से महाभारत शुरू हो गई। और क्या हुआ कि दोनों तरफ से करोड़ों लोग युद्ध के मैदान में खड़े हो गए, ऐसा बताते हैं, करोड़ों लोग मारे गए, ज्ञानी विज्ञानी विद्वान सब कूद पड़े उस युद्ध में, एक तरफ से मार काट डाले गए, है ना। और ऐसा बताते हैं कि जो साउथ एशिया रीजन है उस युद्ध के साथ देखेंगे तो मतलब जितना क्षति हुई, जितना इधर का वैभविक क्षेत्र था, जितना युद्ध में कौशलता थी, जितना विद्वता थी, उसको बताते हैं, है ना, अभी तक अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि ज्यादातर विदेशी आक्रमण तो उस घटनाओं के युद्ध के बाद हुए। कि मान अपमान जैसी छोटी सी घटना पूरी मानव सभ्यता को हजारों साल पीछे ढकेल सकती है। और इस तरह के मान अपमान को हम अपने घर में रोज करते रहते हैं किसी न किसी रूप में, और घर में महाभारत खड़ा करते रहते हैं, ऑफिस में महाभारत खड़ा करते रहते हैं। सह बात ध्यान में आ जाए इतनी सी कि दूसरे का सेल्फ भी मेरे जैसा है ना, उसका लक्ष्य कार्यक्रम क्षमता मेरे जैसा है, तो सहज ही सबका सम्मान किया जा सकता है, परिवार के छोटे का, बड़े का, स्त्री का, पुरुष का, पढ़े लिखे का, कम पढ़े लिखे का, है ना। और सहजता से बात हो सकती है, अभी 150 लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, सभी के साथ सम्मान से बात हो सकती है, नहीं मिले हैं तो भी बात हो सकती है। अब उसमें कोई बहुत कंडीशन लगाने की जरूरत थोड़े है कि पहले पूछे आप कितना पढ़े हैं, हमसे कम या अधिक, है ना, हो सकता है, है ना, व्यर्थ पे फिर पहाड़ चढ़ के नाचने की आवश्यकता नहीं है, और 14-14 फीट के मूंछ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बाल खड़े करके चलने की आवश्यकता नहीं है, जींस फाड़ के पहन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर सम्मान इतना समझ में आ जाए तो। तो इतनी बात हमको सम्मान को लेकर के आज करनी थी। सही कहा आपने, और हमारा ये अपना जो कार्यक्रम चल रहा है, मेरा वो प्रॉब्लम जो मैं शेयर करना चाहती थी आपसे, आपने कहा था कि सम्मान के डिस्कशन के बाद आप चाहे तो इसको पर्सनली भी सुन सकते हैं। मैं इसको ना अभी एक बार फॉर्मल क्लोज डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर अगर किन्हीं के प्रश्न है तो उसके बाद ले लेता हूँ। तो मेरे तरफ से ये चर्चा फॉर्मली क्लोज है, ऑफिशियली एग्जिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं लगभग 10-15 मिनट और रुकूंगा, तो जो लोगों के प्रश्न है उनको मैं उत्तरित कर देता हूँ उतनी देर में, बाकी जो लोग भी एग्जिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जी दीदी, आप पहले इनका सुन लेते हैं, जय प्रकाश भैया का, फिर दीपा दीदी का, फिर आगे। जी भानु जी, एक चीज हमको कहनी थी। जी भैया। हाँ, कि हम लोग 5:30 बजे से 6 बजे वाली मीटिंग जो है उसको कल जैसे किया था वैसे ही करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, वो हम लोग की मीटिंग है आयोजकों की, तो बाकी पार्टिसिपेंट्स को उसमें नहीं प्रतिभाग करना है, तो भैया ने हमारी सूचना के लिए कहा है, तो मैं 10 मिनट में भैया का संकेत इस तरफ है कि 10 मिनट में उसको क्लोज करके और उस मीटिंग में शामिल हो सकूं। जी बताए जय प्रकाश भैया, ब्रीफ में कर ले, फिर दीपा दीदी का ब्रीफ में करके, फिर एक आध लोगों का और सुन के क्लोज कर लेंगे। जो मेरा मित्र है मैं उसको सम्मान करता हूँ, ये दो व्यक्तियों के बीच की बात है, मेरा सम्मान करता हूँ, मेरी अच्छी मित्रता है ये सम्मान, और मेरी कोई उपलब्धि पे कोई संस्था मुझे सम्मानित करती है, सम्मान देती है, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है, इन सम्मान में क्या अंतर है? ठीक से देखेंगे ना भैया। तो अगर मेरे और आपके बीच में सम्मान का भाव है ना जी, और आपका अगर सम्मान लोगों में बढ़ता है तो मुझे अच्छा लगेगा जी, है ना। अगर लोगों में आपकी पहचान देखेंगे तो जो समाज में जो मिल रहा है ना वो पहचान है, आपकी पहचान बढ़ रही है, पहचान और सम्मान दोनों अलग अलग है, दूसरे को जो अपने जैसा स्वीकार पा रहे हैं ये सम्मान है, है ना। और ये जो लोग किसी को आपको पहचान पा रहे हैं किसी पुरस्कार के कारण या किसी के कारण, ये पहचान बढ़ रही है, लेकिन अगर उसके साथ आप दूसरों को अपने जैसा नहीं स्वीकार पाएंगे एक पॉइंट तक, तो पहचान बनने के बाद भी आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा, बल्कि कई लोग द्वेष में भी जा सकते हैं, है ना। तो पहचान अलग है, सम्मान अलग है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े प्राइज मिलते हैं, लेकिन व्यवहार में जब वो ईगो में चले जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, तो अपने ही घर के लोग सम्मान नहीं करते। दीपा दीदी की बात सुन के फिर हरिप जी की बात सुनेंगे। जी दीपा जी बताए। दीपा दीदी भैया, ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसमें बात कर सकते हैं ना? आप अलग से चाहती हो, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर हम लोग अलग से बाद में बात कर लेंगे दीदी।
बाद में नहीं हो पाती है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, अगर अलग से मतलब या तो मैं आपको फोन लगा लूं या तो हाँ, तो फिर फोन दीदी फिर लगाएंगे तो 7 बजे के आसपास लगाएं, 7 बजे के आसपास। लेकिन आपका नंबर मुझे चाहिए होगा, नंबर बता। हाँ जी नंबर, मेरा नंबर ले लीजिए आप। हाँ नहीं मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 7 बजे के आसपास फिर फोन करिएगा, क्योंकि मुझे आज घर के लिए थोड़ी सब्जियां भी लेने जाना है। घर बार भी चलाना है ना। नहीं पत्नी सामने कहेंगे कि भाई अब सब्जी खत्म हो गई क्या खाएंगे। ये जानकर कि आप सब्जी खुद खरीदते हैं, आपका नंबर बता दीजिए मुझे। हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं, परिवार से जुड़ा हुआ है ना। 8840 690 345 345। भैया एक बार रिपीट कीजिए। 8840 हाँ जी 6903 6903 45 45। थैंक यू, मैं 7 बजे आपको कॉल करती हूँ। बात कर लीजिए। हाँ जी थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते जी। आरिफ जी आप कुछ कह रहे थे सर? मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये अभी सम्मान के बारे में आपने कहा सर, होता ही है सर। जब मेरे साथ में घटना हुई कि बचपन में मैं जो था, तो उसके बाद फिर हमारे पिताजी कहते हैं सर कि माता पिता को सम्मान करना चाहिए, फिर गुरुजी को, फिर अन्य अपने जो भी है, तो सर सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमारे पिताजी क्या है, इतने क्रूर हैं, इतना गुस्सा आता है सर उनको कि मारा पीटी, हमारे मम्मी पे बहुत मतलब मारा उन्होंने। लेकिन उस टाइम हम बचपन में, फिर अपने भी जो है वो आ जाती है कि भाई क्यों ना अपने बाप मम्मी को मार रहा, तो क्यों ना बाप को भी उठा के पछेड़ दो, ऐसा करो वो करो। तो सर एक तरफ तो अपनी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, दूसरी तरफ सम्मान, और तीसरी तरफ उनका व्यवहार या गुस्सा ऐसा है सर कि वो अपन नहीं चाहते हुए भी करना पड़े सर, तो ऐसा क्यों? बहुत ज्यादा मतलब इतने, मतलब मेरी पढ़ाई भी नहीं करना, मेरी कॉपी फाड़ देते सर। मैं लिखता था तो मेरी फेर कॉपी फाड़ देते, फिर वापस मेरे को बिठाते, फिर वो लिखवाते, मतलब रात रात भर हो जाती सर। उस टाइम जब लाइट नहीं थी, चिमनी में हम पढ़ते थे सर। और आज भी हमारा पिताजी का व्यवहार इतना क्रूर है, इतना कठोर है सर, कि वो नहीं चाहते हुए भी कैसे सम्मान करें सर उनको। वही तो ठीक से देखेंगे तो ये बात तो ठीक है कि वो भी खुद सुखी होना चाहते हैं, और अगर सही समझ लें जी, सुखी होना चाहते हैं पिताजी भी, अगर उनको सही समझ आ जाए, सही समझ के सही जीने लग जाए, तो वो सुखी हो सकते हैं। और सही समझने सही जीने की क्षमता उनमें भी है ही, समस्या ये हो गई कि उनके अंदर जो सही समझने सही जीने की क्षमता है, उससे वो सही समझ सके जी सके, इसके लिए बचपन से बड़े होने तक उनको बहुत सहयोग नहीं मिल पाया जी सर। उस कारण अपने अंदर जो अतृप्ति है, वो अतृप्ति क्रूरता में कई बार बदल जाती है जी सर, है ना। इस कारण वो अंदर से आदमी इतना बेचैन होता है कि बाहर वो बेचैनी उसकी इस रूप में निकलती रहती है, खास तौर से जिन पे वो निकाल सकता है। बहुतों पे तो निकाल भी नहीं पाता ना, तो बाहर का भी लाके उन्हीं पे निकाल देता है, उसको होश ही नहीं रहता। तो अगर एक बार इतना दिख जाता है ना, तो कम से कम हमारे अंदर जो जितनी कड़वाहट है ना इस बात को लेकर के, वो धीरे धीरे पिघलती है। बाकी हम उनको कितना समझने में सहयोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो फिर समय सर। मैं तो अपमान मतलब सम्मान देता हूँ सर, आज इतना भी आज भी घर पे आते हैं, लेकिन इतनी चिल्ला चोट करते हैं, गाली उपता करते हैं, पूरा मोहल्ला सर मतलब सर पे उठा लेते हैं। हमारे बच्चे भी परेशान होते हैं, मिसेज भी परेशान होते हैं, क्यों बुला लेते हैं अपना माता, अरे मैंने अपने पिताजी है, क्या करो चलो जैसे तैसे अपन उनको सहन कर लो, और सही थोड़ा वक्त है निकाल लें। इनकी बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक शरीर की बीमारी और एक सेल्फ की बीमारी जी। तो जैसे कोई शरीर से बीमार हो जाता है, तो अपन कैसे उसके साथ प्रस्तुत होते हैं ना जी सर, है ना, उसके इरिटेशन को, उसके झल्लाहट को भी पचाते रहते हैं, उसकी सेवा करते रहते हैं। वैसे ही हालत बहुत सारे लोगों के सेल्फ की विचित्र हो जाती है जी ना? सर तो अगर एक बार ध्यान में आ जाए कि वो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, बीमार है, तो हम एक तरह से फिर उसको देख पाते हैं ना, तो कुछ उसका जो भी कल्याण हो सकता है हो जाता है, अन्यथा फिर धीरे धीरे वो उसको झेल ही रहा होता है। सोचिए आप तो कभी कभी झेल रहे हैं, वो कितना झेल रहा होता है। नहीं सर मेरा पूरा बचपन ऐसे निकला सर, कभी कभी नहीं सर, मेरा पूरा बचपन ऐसे निकला, एजुकेशन भी ऐसे निकली, आज भी बुढ़ा मतलब आप अपन सर अभी भी आज इस वक्त 47-48 में जा रहे हैं सर। लेकिन सबसे अधिक तो वो व्यक्ति खुद झेल रहा होता है जी सर, पहले मम्मी ने झेला, फिर बाद में हमने झेला, अब कैसे क्या मतलब बहुत ज्यादा
अब वो डिप्रेशन में आके क्या मम्मी ने चलो कोई ऐसा नहीं कराने चाहती छोड़ के चली जाती क्या करना मेरे को ऐसे आदमी के साथ रहना ही लेकिन मम्मी ने भी झेला वही तो अब मम्मी, बच्चे भी मम्मी के प्रति जो कृतज्ञता का भाव आता होगा आपको होगा तो है ही बहुत सारे लोग तो कम योग्यता के बहुत रिजिड योग्यता के भी जिंदगी में मिली जाते हैं मगर सम्मान तो करना है सर अपने को क्योंकि पिताजी अपने ना पाला है पोसा है बड़ा करा है तो है कहने का मतलब मेरा यही है सर कैसे क्या वही तो आप अपने विचार पर तो काम करके अपने को ठीक कर सकते हैं अगली पीढ़ी ऐसे क्राइसिस में ना फंसे इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं है ना पिछली पीढ़ी के लिए तो जो स्थिति हो गई है उनके साथ जो स्नेह और उसके साथ प्रस्तुति हो सकते हैं अगर धीरे धीरे उनका ध्यान जाएगा तो कुछ हो पाएगा अन्यथा झेले के खिलाएंगे ठीक सर थैंक यू सर ठीक ठीक नमस्ते ठीक है तो फिर हम लोग क्लोज कर लें आज के लिए सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कल का रह गया था एक मिनट सर केवल एक मिनट बस के लास्ट प्रश्न लेकर के आज सर्च कर लेंगे सर फीडबैक जो फॉर्म भरा था लास्ट फॉर्म कल में वो सेल्फ में रखे सर उसमें एक क्वेश्चन था जैसे शरीर के लिए स्वयं जिम्मेदारी के भाव सर चारों आंसर मुझे एक से लग रहे थे इसके लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है संयम भी जरूरी है सुख भी जरूरी है और आशा भी जरूरी है इस टाइप के प्रश्न जहां आते हैं तो वहां पर हम तो विशेष क्या ध्यान देना चाहिए कौन सी बात हम ध्यान में रखना है चाहिए को दोबारा जीवन में सर शरीर के लिए स्वयं जिम्मेदारी के भाव एक प्रश्न था फीडबैक में उसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे स्वास्थ्य संयम सुख और आशा अब मुझे मेरी समझ में तो लगा कि चारों सही हूं मैं मतलब स्वास्थ्य के शरीर के लिए स्वयं जिम्मेदारी के भाव मतलब हमारा स्वास्थ्य भी जरूरी होना चाहिए प्रश्न ये था कि शरीर के लिए जो स्वयं में जिम्मेदारी का भाव है उसे क्या कहेंगे है ना स्वास्थ्य कहेंगे संयम कहेंगे आशा कहेंगे कि सुख कहेंगे तो आपने अगर चर्चा को सुना हो तो संयम की एक परिभाषा दीदी ने बताई थी कि मैं अपने शरीर के है ना जिम्मेदारी के भाव को शरीर के पोषण संरक्षण के प्रति जो जिम्मेदारी का मेरे अंदर भाव है उसको कहा था संयम का भाव संयम का भाव उसका उत्तर होगा है ना जी जी कुछ जगह बहुत प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनका अपन को लगता नहीं ये भी सही है तो अगर आप चर्चा को सुने होंगे ध्यान से तो वो प्रश्न तो चर्चा से ही जुड़े होते हैं कई बार अपन की कल्पनाशीलता वहां नहीं रह पाती तो नहीं याद रहता अन्यथा वो संयम की परिभाषा पे प्रश्न होगा जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद फिर भेंट होगी नमस्ते जी।